क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, मुझे क्या मना है? क्यों कुछ नहीं हुआ आपको? कल रात से ब्लड प्रेशर इतना हाई है, तबीयत भी इतनी खराब रही है आपकी रात से, मैंने इसीलिए आज इनको ऑफिस में नहीं जाने दिया। तो यहाँ किसको परवाह है भाई, कोई जिए या मरे, सब अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारते हैं। हम तो समझा समझा के थक गए, लेकिन ना ये सुनने पे आमादा है और मोहित तो समझना ही नहीं चाहता। आखिर हुआ क्या था ये तो बता दो। तुम नाराज होकर चली गई अपनी अम्मा के घर और वो जाके कमरा बंद करके बैठ गया। अंकल ऐसी बात नहीं है, आप मेरी प्लीज शुजा गुस्सा मत करें, रिलैक्स करें। देखिए ना आपकी वजह से कितनी परेशान हो रही है। अंकल मेरी वजह से अगर आपकी तबीयत खराब हुई है तो रियली सॉरी। बेटा मैं ठीक हूँ बेटा, इट्स ऑल राइट। मैं सिर्फ चाहता हूँ तुम दोनों खुश रहो। देखो मैं जानता हूँ कि तुम्हारा रिश्ता शुरू से मसाइल का शिकार रहा है, लेकिन बेटे तुम लोग तो शुरू में खुश थे ना बहुत ज्यादा। खुश तो ये लोग अभी भी रह सकते हैं, कभी अबीरा दरमियान में आ जाती है और कभी सरमद। नहीं अनीशा बेगम ऐसा नहीं होता, इस रिश्ते की तो शर्त यह है कि आप उसमें एतमाद और एतबार रहे। अगर किसी तीसरे की वजह से यकीन डगमगाने लग जाए ना तो समझो कि ताल्लुक था ही नहीं और कमजोर ताल्लुक था। हाय दिल ही तो है।